आज हर नेता या व्यक्ति जो भी स्टेज पे जाते हैं बात करते हैं बाबा साहब की, अम्बेडकर बाबा साहब की, कांशीराम जी की, मायावती जी की, लेकिन जब घर में आकर देखा जाए तो उनके ड्राइंग रूम में होते हैं देवी देवताओं की फ़ोटो होती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये लोग क्यों पूरी तरह से अम्बेडकरवादी नहीं बन पा रहे हैं? देखिए ऐसा है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जहाँ तक बात करते हैं, बाबा साहब का जितना भी त्याग हुआ है समाज के लिए त्याग जो हुआ, शायद है कि हर किसी के बस की नहीं। आज उन्हीं की देन है जो कि बाबा साहब को हर आदमी पूज रहा है, हर संस्थाएं पूज रही है, हर प्रधानमंत्री पूज रहा है, और ये आपका पार्लियामेंट के अंदर जो स्टैचू लगा हुआ है आज बाबा साहब को हर आदमी मतलब उनकी वो कर रहा है। तो बाबा साहब की तो बात ही अलग है। बाबा साहब ने अपने बीवी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, बच्चे मर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं एक बच्चे की क्या देखूंगा, मेरा तो पूरे देश के बच्चे मेरे बच्चे हैं, पूरे देश की माएँ मेरी माँ हैं, पूरे देश के भाई मेरे भाई हैं। तो उन्होंने एक पर्सनल अपने घर को नहीं देखा। उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया कि शायद है कि आज तक कोई भी न कर पाया है और न कर सका है। और बाबा साहब ने तो डीलेट 12 अटला 17 डिग्रियाँ प्राप्त की थी, जो कि आज देश के इस देश के अंदर शायद कोई भी नहीं कर पाया, न पहले कर पाया था, न आज कर पाया, और शायद भविष्य में कोई कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत तमाम डिग्रियां प्राप्त की थी। तो इसीलिए उन्होंने पूरे देश के लिए और पूरे समाज के लिए, उन्होंने समाज के लिए देखा बाबा साहब ने, कि जब डीलिट 12 अटला करके जब बड़ौदा नरेश के यहाँ पर जब ड्यूटी जोन उन्होंने करी थी, तो उनके साथ वहाँ पर भी भद्र व्यवहार किया गया, वहाँ से भी उनसे उपेक्षा की गई। तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे जैसे डीलिट 12 अटला करने के बावजूद भी मेरे जैसे आदमी के साथ में इस तरह से हो रहा है, तो ये गरीब समाज, मजलूम जो पढ़ा लिखा अनपढ़ समाज है, इनके लिए इनके साथ क्या होगा। इसीलिए उन्होंने अपने बाल बच्चे पूरे परिवार रिश्तेदार वगैरह वगैरह किसी को नहीं देखा। उन्होंने अपनी पूरा जीवन दाव इस बहुजन समाज पार्टी के लगा दी, पूरे देश के लिए लगा दी। और फिर एक चीज़ और देखनी होगी आपने, कि जब इस देश के संविधान की बात जब आई, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि चलो हम इस देश को तो छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन है तुम में से कोई इस तरह का आदमी जो कि इस देश का संविधान बना सके, जो नीति बना दे? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद वगैरह वगैरह जितने भी थे, उन्होंने बाबा साहब के पास में लेटर बाई लेटर खबर भेजी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप तुरंत आप दिल्ली आइए। और दिल्ली आकर के, क्योंकि अंग्रेज़ों ने एक प्रस्ताव रखा है कि इस देश का संविधान कैसे बनाओगे आप लोग, तो बाबा साहब ने कहा कि जो लोग मुझे हेय दृष्टि से देखते थे आज वो मुझे बुला रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से नहीं, मुझे इस देश की खातिर जाना होगा। तो यहाँ पर जब आए तो उनके साथ में 8 आदमियों की नियुक्ति करी थी, जो कैबिनेट थी 8 आदमी, लेकिन 7 आदमियों ने उन्होंने उनका किसी ने साथ नहीं दिया था। कोई जब ज़रूरत पड़ती थी तो कहते थे कि भाई आज मेरा मामा मर गया, फूफा मर गया, बहन की शादी, चाची की, चाचा की शादी, ताऊ की शादी, लेकिन बाबा साहब का साथ नहीं दिया किसी ने भी। अकेले होकर के, मजबूर होकर के बाबा साहब को अकेले ही संविधान बनाना पड़ा, जो आज देश ना इस देश गीता से चल रहा है, ना कुरान से चल रहा है, ये बाबा साहब के संविधान से चल रहा है ये देश। रही मानवर कांशीराम साहब की, बाबा मानवर कांशीराम ने जो बाबा साहब से की प्रेरणा ली, और बाबा साहब ने जब इतिहास को पढ़ा तो मानवर कांशीराम साहब ने अपनी नौकरी आईएएस ऑफिसर की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, और उसी समय त्याग पत्र दे करके उन्होंने DS4 बनाई, बाम से बनाई, और बाम से बनाने के बाद उन्होंने सोचा कि इन संस्थाओं से काम नहीं बनेगा, जब तक हम सत्ता की चाबी अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक हमारा समाज सत्ता की चाबी नहीं लेगा, जब तक हम पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठ पाएंगे, जब तक हमारी बिगड़ी हुई बात नहीं बन सकती। तो बाबा साहब मानवर कांशीराम साहब ने इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस देश के लिए तमाम बहुजन समाज पार्टी सन 1984 के अंदर बहुजन समाज पार्टी बनाई, और बहुजन समाज पार्टी बना करके तमाम जो लंगड़े लूले पास जिनको बोलने की शक्ति नहीं थी, जो आवाज़ आज हम भी आज आवाज़ लगा करके बोल रहे हैं, जो आज बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन करके आज हम राजनीति करने के लिए जो चल रहे हैं, यह मानवर कांशीराम साहब की देन है, अन्यथा और किसी के लिए देन नहीं है। आज हमारे लोग बढ़िया से बढ़िया बोलना ही चाहते हैं। रही बात ये कि देखिए हर आदमी उस अहदे पर नहीं पहुंच सकता, इतनी शक्ति पढ़ाई कौन पढ़ सका है जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पढ़े थे। डीलेट पूरे देश के अंदर नहीं कोई पढ़ पाया। मानवर कांशीराम साहब जैसे एक तीसरे नंबर के वैज्ञानिक ठहराए, कौन सा इस तरह का व्यक्ति है? तो उनका काम था, उन्होंने किया, लेकिन हर व्यक्ति इस काम को नहीं कर पाएगा। तो यही मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।